सादा लिबास, धीमी रफ्तार और चेहरे पे वो मुस्कान, इससे भी ज्यादा कुछ कहना हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शान में कम होगा, ये कहते हैं अशोक चौधरी। किताब लिख दिया, गांधी तो देश में एक ही है, दूसरा गांधी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बताया। किताब का विमोचन का मौका था। दरअसल इस विमोचन के सहारे अशोक चौधरी बड़ी लंबी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि अशोक चौधरी का प्लानिंग क्या है। अशोक चौधरी ने बिहार विधानसभा में अपने किताब का विमोचन रखा, यानी किताब का जो इजरा होता है, किताब लोगों के सामने जो कवर है वो दिख रहे हैं कि इस किताब को किसके बारे में, किसकी किस शख्सियत के बारे में लिखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का गांधी बताया गया, लेकिन स्टेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तस्वीर के पीछे कुछ और कहानी, कोई और फिल्म चल रही है। दरअसल विश्वनाथ आर्लेकर है, गवर्नर है, उसके अलावा नंदकिशोर यादव है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उसके अलावा सम्राट चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उसके अलावा गोविल साहब है जो राम है, अरुण गोविल, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अलावा बॉलीवुड के गायक हैं उदित नारायण झा, झाजी भी हैं, उसके अलावा शांभवी चौधरी है और उसके अलावा खुद अशोक चौधरी है। आप पूरा फोटो फ्रेम देख लीजिए, एक भी जेडीयू का नेता आपको दिख रहा है ऊपर? इस स्टेज पे जेडीयू का कोई नेता नहीं है और जेडीयू के नेता ने जेडीयू के संस्थापकों पर किताब लिखी है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी संघर्ष और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को सींचा वो सारा उल्लेख उसमें किया गया है और बिहार का गांधी नीतीश को बनाया गया, बनाने वाले अशोक चौधरी, बताने वाले अशोक चौधरी, दोनों पिता और बेटी ने किताब लिखी। शांभवी चौधरी ने, राजनीति में अभी नई नई आई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समस्तीपुर से जीती है अभी वो, लेकिन हालात इसलिए हैं कि स्टेज पे जेडीयू का कोई भी आपको बड़ा नेता नहीं दिख रहा और ये आरएसएस और बीजेपी के करीब जाने की पूरी प्लानिंग और पूरी कोशिश है। आज जेडीयू का कोई नेता अगर बड़ा से बड़ा रहा भी है तो उसे नीचे बैठाया गया। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किताब लिखी जा रही है और जेडीयू के नेता स्टेज से नदारद। अरुण गोविल को बुला लिया आपने, कहां जेडीयू और कहां अरुण गोविल। उदित नारायण झा, कहां जेडीयू और कहां उदित नारायण झा। नंदकिशोर यादव, कहां जेडीयू और नंदकिशोर यादव। कहां जेडीयू और कहां सम्राट चौधरी। तो ये एक तरह से प्लानिंग चल रही है कि वो आरएसएस के करीब जाकर के कोई बड़ा लंबा सियासी खेल खेलना चाहते हैं, चाहे वो जेडीयू के साथ खेले या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेल जाए। और सियासत की नजाकत यही होती है कि मौका मिले सीढ़ी लगाइए, छत पे चले जाइए, आवाज लगाइए और ये कहने लगिए कि यहां के बादशाह हम ही हैं। तो ये जो किताब के विमोचन का मामला था उस पर हमने आपको बताया कि दरअसल अशोक चौधरी प्लानिंग क्या कर रहे हैं। और देखिए यहां पर सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वही बैठे हुए, पूरे फ्रेम में आपको स्टेज पे कोई नहीं दिखेगा जेडीयू का, चाहे जितना भी बड़ा नेता हो। हालांकि अशोक चौधरी जब जेडीयू में आए उससे पहले भी जेडीयू के बड़े बड़े नेता जेडीयू में थे, अब भी हैं, उनमें से किसी को स्टेज पे नहीं बैठाया। स्टेज पर रौनक जेडीयू के नेता से शायद गायब हो सकती थी और स्टेज की जो रौनक है वो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से ज्यादा होती, शायद इसलिए अशोक चौधरी ने ऐसा प्लान बनाया। किताब उन्होंने लिखी, मन उनका, फैसला उनका, इसलिए उनका फैसला जो है उस पर लोगों ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन हमने सोचा कि आपको बता दें कि दरअसल दरो दीवार पर लिखी हुई चीज दीवार के पीछे वाला सुन तो नहीं सकता लेकिन सामने वाला जरूर पढ़ सकता है।